यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विज्ञां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत अखंड हो सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय
नमो माधव शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। संवर्धित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों ने अद्भुत आस्था, अपनत्व, उत्साह और आह्लाद पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौल ईश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। नारायण। सज्जनों, वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, अतएव उनका अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। महाप्रलय के अव्यवहित पूर्व क्षण पर्यंत जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त करते, उन्हें महासर्ग के प्रारंभ में कृतार्थता का पुनः अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर देहेंद्री प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने हम जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन क्यों प्रदान किया? इसका उत्तर वेद स्तुति के दूसरे श्लोक में श्रीमद्भागवत में सन्निहित है। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जीवों को हो सके, इस भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर महासर के प्रारंभ में आकाशादि पंचभूत तथा पांच भौतिक प्रपंच की संरचना करते हैं। अकृतार्थ प्राणियों को उनके शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करते हैं। चरम पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष को श्रीमद्भागवत ने परिभाषित किया है मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। यह मुक्ति की सार्वभौम परिभाषा है। वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, नास्तिक, उभय सम्मत जितने दर्शन या विचार हैं उनके अनुसार जो जीव का स्वरूप निर्धारित किया गया है, तदनुरूप होकर ही जीव स्थित रहे, उसी का नाम मुक्ति है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार तो देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से विविक्त गुणमय भावों से अतीत सद्घन चिद्घन आत्मघन
प्रत्यगात्मा की ब्रह्मरूपता ही सिद्ध है। ब्रह्म स्वरूप प्रत्यगात्मा में, प्रत्यगात्मा स्वरूप ब्रह्म में। प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का चंचल निश्चय जिसको हो जाता है वह जीवन मुक्त होता है, सदा के लिए भवबंधन से निवृत्त हो जाता है। अतएव केनोपनिषद ने लक्ष्य निर्धारित किया और सावधान भी किया जीवों को, यह चेद अवेदी तथा सत्यमस्ति न चेद यह वेदी ने महती विनष्टि। कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्व क्षण पर्यंत देहनी प्राणांतःकरण से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्म तत्व का अधिगम हो गया, तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहनी प्राणांतःकरण से अतीत गुणमय भावों से विविक्त प्रत्यगात्म तत्व का अधिगम नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक गया। सत्यमस्ति महति विनष्टि, इन पदों का प्रयोग करके श्रुति ने लाभ का लोभ हानि का भय दर्शाया है। जीवन में अप्रमत्तता बनी रहे, प्रमाद न पले, इसके लिए आवश्यक है कि लाभ का लोभ हानि का भय हो। इस श्रुति के अंतर्निहित भाव को भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद सुधा सिंधु मदन मोहन ने अपने शब्दों में ख्यापित किया है। भगवान का वह वचन भगवद गीता के 5वें अध्याय में सन्निहित है। यही वितर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम् हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान ने केवल 2 पदों के माध्यम से समग्र अनात्म जगत का परिचय दे दिया। अनात्मा कौन है? जो सदोष और विषम हो। आत्मा या परमात्मा कौन है? जो निर्दोष और सम हो। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जो व्यक्ति दिव्य मेधा शक्ति के बल पर सकल अनात्मा प्रपंच से मन को आकर्षित कर सम और निर्दोष परमात्मा में सन्निहित करने में समर्थ होता है, वह जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर लेता है। बहुवचन का प्रयोग करते हुए भगवान ने कहा, यही वितर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम् हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिन्होंने अपने जीवन काल में ही सकल विषम और सदोष अनात्मक प्रपंच से मन को आकर्षित कर निर्दोष और सम परमात्मा में सन्निहित कर दिया, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। अन्यथा जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, यह तो आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है। भगवद्गीता के 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु हो, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। इस बात को लेकर तो वैदिक अवैदिक सब एक मत हैं, लेकिन आगे भगवान का क्या वचन है? ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अकृतार्थ होकर जो देहत्याग करता है उसका पुनर्भव भी सुनिश्चित है। इसका अर्थ यह होता है कि देहत्याग के अव्यभित पूर्व क्षण पर्यंत हम कृतार्थता अर्जित करें। कृतार्थता क्या? हमारी चाह का या इच्छा का जो वास्तविक विषय है उसको परख कर उसकी पूर्ति के लिए हम प्रयत्नशील हों। आस्तिक हो कोई या नास्तिक, वैदिक हो या वैदिक, अंततो गत्वा जो कुछ नश्वर है, मृत्युग्रस्त है, मृत्यु है, उसे पिंड छुड़ाकर अमृत स्वरूप मृत्युंजय होकर शेष रहना चाहता है। इसको लेकर तो आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत उद्भासित है। जो कुछ जड़ है, अचित है, अज्ञता है, मूर्खता है, नासमझी है, उससे पिंड छुड़ाकर जितने प्राणी हैं अखंड विज्ञान स्वरूप होकर शेष रहना चाहते हैं,
जो कुछ ताप है, वेदना है, कष्ट है, यातना है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर प्राणी शेष रहना चाहते हैं। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। सीधी बात यह है कि जो कुछ असच्चिदानंद है उससे मन को कर्षित कर सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्म तत्व है वही होकर जीव शेष रहना चाहता है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जीव की चाह का वास्तविक विषय उसका तात्विक स्वरूप ही है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध का दूसरा श्लोक भी है। वास्तव वस्तु सत्यम परम धीमहि ध्यायेम। वास्तव वस्तु कौन है? परमात्मा। वो परमात्मा कौन है इस पर विचार करें तो एक बाल गोपाल बोल रहे थे, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत जीवभूत सनातना। भगवद गीता के 15वें अध्याय का यह वचन है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश और उपदेश इसमें सन्निहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने इसका ललित अनुवाद किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुख राशि। तुलसीदास जी ने अविनाशी शब्द का प्रयोग किया, भगवान ने सनातन शब्द का प्रयोग किया। भावार्थ कही, अब अर्थ करने की एक विधा है कि इस वाक्य में मुख्य स्थान किस शब्द को दे। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो सनातन जो शब्द है उसके अर्थ को हमें मुख्य स्थान देना पड़ेगा। इस दृष्टि से भगवत पाद शिवावतार शंकर महाभाग ने अंश के आगे इव शब्द का अध्याहार किया, क्योंकि सनातन पद का जो मार्मिक अर्थ है उसके अविरुद्ध ही जीवभूत का अर्थ करना उचित है। सनातन तभी हो सकता है जीव जब सचमुच में अंश ना हो। महाकाश का घटाकाश अंश कहा जाता है। औपाधिक धरातल पर ऐसा कह सकते हैं वस्तुतः अंश सदृश है वह। ठीक इसी प्रकार नवचंद्र का जलचंद्र अंश कहा जाता है, वस्तुतः वह अंश सदृश है। भगवान भी हमारे अंशी सदृश हैं, सदृश हैं, और हम उनके अंश सदृश हैं। सचमुच में यदि हम भगवान के अंश होंगे तो भगवान सावयव होंगे और हम अवयव होंगे, दोनों का नाश सिद्ध होगा, तो सनातन पद का स्वारस्य ही चरितार्थ नहीं होगा। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कहा अंश इव। बहुत अच्छा उदाहरण है, एक मिश्री की डली लोग लेकर बल और वेग पूर्वक पत्थर पर बजार दें, रवे विकीर्ण हो जाएंगे। मिश्री की डली भी नश्वर, रवे भी नश्वर। इसी प्रकार से विचार यह करना चाहिए कि एक गुलाब का पुष्प लें, एक एक दल को उससे पृथक करें, गुलाब का पुष्प भी नश्वर, एक एक दल भी नश्वर। कदाचित जीव भी भगवान का सचमुच अंशी सिद्ध हो, अंशी भगवान भी नश्वर सिद्ध होंगे, जीव भी नश्वर सिद्ध होगा। इसलिए सनातना शब्द के तात्पर्य को अभिव्यक्त करते हुए शिवावतार भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अंश के आगे इव शब्द का अध्याहार किया। जीव अंश सरीखा है न कि अंशी, जगदीश्वर अंशी सरीखे हैं न कि अंशी। और एक नियम है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है, तो जीवों के आकर्षण के विषय जीवन धन जगदीश्वर ही हो सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्र महाभाग कहा करते थे, है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल, जो दर्पण का दर्शन किए बिना दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र का दर्शन कर ले। संभव है क्या? जब कोई व्यक्ति दर्पण में मुख का दर्शन करता है, प्रतिफलित मुख का दर्शन करता है, तो दर्पण का दर्शन उसे पहले होता है अनिच्छन्नपि,
चाहे या न चाहे वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। दर्पण का दर्शन हुए बिना दर्पण में प्रतिफलित मुखचंद्र का दर्शन संभव ही नहीं है। तद्वत भगवान का दर्शन किए बिना भव का दर्शन संभव ही नहीं है। प्रत्येक जीव को पहले भगवान का दर्शन होता है, तब भव का दर्शन होता है। दूसरा उदाहरण है, कोई चतुर्चितेरा पार्थी माई का लाल, जो आलोक का दर्शन किए बिना नील पित्त श्वेत इत्यादि रूप का दर्शन कर ले, नील पित्त श्वेत इत्यादि रूप का दर्शन तब तक हो ही नहीं सकता जब तक आलोक का दर्शन न हो। इसी प्रकार है, कोई चतुर्चितेरा पार्थी माई का लाल, जो जल का दर्शन किए बिना जल तरंग का दर्शन कर ले, संभव ही नहीं है। दृष्टांतिक क्या है, कोई चतुर्चितेरा पार्थी माई का लाल, जो ब्रह्म परमात्मा या भगवत तत्व का दर्शन किए बिना भव का दर्शन कर ले, जगत का दर्शन कर ले, संभव ही नहीं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को व्यवहार दशा में भगवत तत्व का दर्शन पहले होता है, भव का दर्शन बाद में होता है। वाचारम्भम विकारो नामधेयम मृत्युकेत्येव सत्यम, इस छांदोग्य श्रुति के आधार पर तो पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने उससे भी एक चरण आगे बढ़कर तथ्य उद्भाषित किया। किसी को भव का दर्शन न आज तक हुआ है न आगे होगा। धीरे से बोल रहा हूं, आज तक किसी को भव का दर्शन हुआ नहीं, आगे भी होगा नहीं। भगवत तत्व के अतिरिक्त भव का दर्शन संभव ही नहीं है। यह लोहे का दंड है, लोहे का दर्शन करते हैं तब दंड का दर्शन होता है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से लोहे को काढ़ लें तो ये दंड कुछ रह जाता है क्या? उपादानातिरिक्त उपादेय की न स्वतंत्र सत्ता होती है न उपयोगिता। इसका अर्थ क्या है? दर्शन तो लोहे का ही हो रहा है, आरोप इसमें दंड का हो रहा है। मृदघट है, उसमें दर्शन तो मृत्तिका का ही होता है, आरोप घट का होता है। इसका अर्थ क्या है? मिट्टी मिट्टी का ही दर्शन होता है, घट तो पृथक से है ही नहीं। उपादानांश का कर्षण कर लें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, उपादेय का दर्शन ही सिद्ध नहीं होता, न उसकी सत्ता सिद्ध होती है न उपयोगिता। फिर भी यह जो नाम रूपात्मक जगत है, इसका महत्व क्या है? वेदांत परिभाषाकार ने बहुत ही मनोरम ढंग से तथ्य को उद्भाषित करते हुए कहा, और पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने भी इस तथ्य को बहुत ही अनुपम ढंग से उद्भाषित किया है। जो वेदांत वेद्य परमात्म तत्व है वह अनुभाव्य नहीं है, अनुभाव्य का अर्थ होता है अनुभूति का विषय नहीं है। सत का अनुभव हो सकता है क्या? चित्त का अनुभव हो सकता है क्या? आनंद का अनुभव हो सकता है क्या? कौन सा आनंद? जो स्वरूप भूत स्वप्रकाश है। सत चित आनंद तीन शब्दों के द्वारा आत्मा को हम लक्षित करते हैं, क्योंकि सृष्टि में व्यावर्त तीन प्रकार से उद्भाषित होता है। सृष्टि जगत अनित्य है, जड़ है, दुख है। इनसे विलक्षण सिद्ध करने के लिए एक ही तत्व को तीन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। चौथा शब्द अनंत ले लेते हैं, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सृष्टि परिच्छिन्न है तो इस सृष्टि से विलक्षणता सिद्ध करने के लिए उसको अनंत कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? न सत न चित न आनंद साक्षात अनुभाव्य हो, सत चित आनंद संभव नहीं। न सत न चित न आनंद अनुभाव्य हो संभव नहीं। लेकिन एक विचित्र बात है, अनुभव का विषय नहीं है, केवल इतना ही रटते रहेंगे तो शून्यवादी बौद्धों की दाल गल जाएगी, फिर है ही इसमें क्या प्रमाण?
और अनुभव का विषय हो गया तो दृश्यत्व की प्रसक्ति होगी। इसलिए बहुत चुलबुली गाथा है, रहा भी ना जाए सहा भी ना जाए रहा भी ना जाए सहा भी ना जाए। यदि अनुभव का विषय नहीं है तब शून्यवादी बौद्ध जैसे जो उतार्किक हैं उनके दृष्टि में उसका अस्तित्व ही है, इसमें क्या प्रमाण। और अगर अनुभव का विषय हो गया तो दृश्य कोटि प्रविष्ट हो जाने के कारण वस्तु तब तत्व ही सिद्ध नहीं हुआ। अतः वेदांत प्रक्रिया का आलंबन लेना चाहिए। जैसे विद्युत है जल स्थल नभ में विद्यमान, लेकिन मेघमंडल या बादल के माध्यम से उसका दर्शन हो जाता है। आजकल यांत्रिक विधा का आलंबन लें तो बल्ब के माध्यम से विद्युत का दर्शन हो जाता है। जैसे बादल या मेघमंडल विद्युत का भी व्यंजक संस्थान है, वैसे ही बल्ब भी विद्युत का भी व्यंजक संस्थान है। एक नियम है कि अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि अभिव्यंग विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य है। लेकिन तारतम्य घटित तारतम्य भाव, तारतम्य घटित तत्व नहीं होता, ये भी एक विलक्षण बात है। इसीलिए यह जो सृष्टि है इसकी क्या उपयोगिता है। जो चित्त स्वरूप परमात्मा तत्व अनुभव का विषय नहीं है उसे भी अनुभव का विषय बना देना, यही उपाधि की विलक्षणता है। हमारे महोदय पंडित प्रवर जी कह रहे तो उपाधि के लिए मांडूक उपनिषद ने उपव्याख्यान शब्द का प्रयोग किया है। उपव्याख्यान समीपता से अभिव्यंजक संस्थान, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा निरूपण किया, उपाधि को परिभाषित किया मधुसूदन सरस्वती जी की शैली में, नाम रूप द्वय ईश उपाधि, आगे क्या सुसामुज साधि, बाधि नहीं कहा गया। एक उपाधि तो बाध करने के लिए है, एक साधने के लिए है। नाम रूप द्वय ईश उपाधि सुसामुज साधि, इसका अर्थ क्या है या सृष्टि की उपयोगिता क्या है। जो परमात्म तत्व दृष्टिगोचर नहीं हो सकता वह सृष्टि के द्वार से दृष्टिगोचर होता है। जो अनुभव स्वरूप होने के कारण अनुभाव्य नहीं हो सकता वह औपाधिक धरातल पर अनुभूति का विषय बन जाता है। न तो असत्या पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने बताया बंध्या पुत्र भी अनुभाव्य नहीं होता, लेकिन उसकी सत्ता न होने के कारण अनुभव का विषय नहीं होता। और ब्रह्म भी आत्मतत्व भी अनुभाव्य नहीं होता, वो अनुभव स्वरूप होने के कारण अनुभाव्य नहीं होता। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने। इमली जो स्वयं अम्ल तत्व है उसमें खटास का दहन करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, स्वतः अम्ल ही है। जिसके संसर्ग से करेले की सब्जी अरहर की दाल आदि में भी खटास का संचार हो जाता है, उस इमली में अम्ल तत्व में अम्ल के आधान के लिए खटाई के आधान के लिए किस वस्तु को डालें। स्वतः जो मधुर है उसको मीठा बनाने के लिए फिर किस तत्व को डालें। अनुभव स्वरूप ही है तो अनुभाव्य नहीं हो सकता। अनुभव का स्वयं विषय भी हो, अनुभव का स्वयं कर्ता भी हो, अनुभवी भी हो, संभव नहीं है। वैयाकरणों के अनुसार कर्म करती विरोध की प्रसक्ति होगी। स्वयं ही अनुभव्य, अनुभाव्य स्वयं ही अनुभव का विषय भी, अनुभव का विषय माने अनुभाव्य स्वयं ही अनुभव करता भी, तो स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म यह संभव नहीं है। लेकिन यह सृष्टि की महिमा है, जो अनुभव स्वरूप परमात्म तत्व है उसका भी हमको अनुभव हो जाता है। तब क्या होता है, उस अनुभव स्वरूप की सत्ता को लेकर संदेह प्राप्त नहीं होता। दर्पण का आलंबन लेने पर जैसे मुखचंद्र की उस पर अभिव्यक्ति हो जाती है तो मुख का ज्ञान हो जाता है,
अपनी आँखों के द्वारा समग्र मुख चंद्र का दर्शन संभव नहीं है, लेकिन दर्पण रूप उपाधि की क्या चमत्कृति है कि अपनी ही आँखों के द्वारा प्रतिफलित मुख चंद्र का दर्शन हो जाता है। तद्वत यह सृष्टि क्या है, परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति होने के कारण परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है, तो सच्चित आनंद जो परमात्मा का स्वरूप है उसका अनुभव हो जाता है। सन घटा सन पटा सन त्यापस्थ भूषण वायु आदि स्थलों में सत 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 का दर्शन हुआ या नहीं, अनुभव हुआ या नहीं, उपाधि की चमत्कृति हो गई या नहीं, सन घटा सन वायु संत्याप अस्थिभू है पृथ्वी जल तेज आदि का दर्शन हमको होता है, लेकिन इनके माध्यम से सत की अभिव्यक्ति होती है। सत का दर्शन हो गया, अनुभव का जो विषय सत नहीं है स्वप्रकाश ही है उसको भी अनुभाव्य बना देना, यही उपाधि की अनुपम चमत्कृति है। अमुक भांति स्वप्रकाश जो तत्व है यज्ञानमद्वयम् वदन्ति तत्तत्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते यतद्वयम् ज्ञानं तत्तत्त्वम्। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय स्त्रिपुटि में मध्य में जो स्थित ज्ञान है वो सापेक्ष है या निरपेक्ष, सापेक्ष है। आश्रय के रूप में उसे ज्ञाता की, विषय के रूप में उसे ज्ञेय की अपेक्षा है, लेकिन महर्षि का क्या कथन है, वदन्ति तत्तत्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध का यह दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, वदन्ति तत्तत्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् यत् अद्वयम् ज्ञानं तत्तत्त्वम्। त्रिपुटी से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी से पारंगत जो ज्ञान है वह तत्व है। बड़ी विचित्र बात है, उस पारंगत तत्व को अनुभव का विषय नहीं बना सकते, तो त्रिपुटी के रूप में उसकी उद्भावना होती है। त्रिपुटी में भी मध्य में जो ज्ञान है, त्रिपुटी से पारंगत ज्ञान ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी में मध्यवर्ती होकर प्रतिफलित होता है, लेकिन वह तत्व क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें सापेक्षत्व है। जो सापेक्ष होता है तर्कम भाव घटित होता है वह तत्व नहीं होता, लेकिन अभिव्यक्ति तो उसकी हो रही है। ऊपर ज्ञाता आश्रय की अपेक्षा उसको है, नीचे ये विषय की अपेक्षा है। आश्रय विषय निरपेक्ष जो ज्ञान तत्व है उसको जानने के लिए फिर आश्रय विषय सापेक्ष ज्ञान का आलम्बन लेना आवश्यक है। इसलिए श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया, एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे चितयम तत्तयो वेद सात्मा स्वाशयाशय। एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे चितयम तत्तयो वेद सात्मा स्वाशयाशय। त्रिपुटी का स्वभाव है अन्योन्य सापेक्ष होना। जैसे गेंदे का पुष्प है, मान लीजिए मैं उसे जानता हूँ तो मैं हो गया ज्ञाता, पुष्प की जानकारी का नाम हो गया ज्ञान और गेंदे के पुष्प का नाम हो गया ज्ञेय। एक को खिसका देने पर शेष दो की सिद्धि नहीं होती, अन्योन्य सापेक्ष होना दृश्य है, दृश्यत्व है। गौड़पादाचार्य महाभाग आखिर भगवान सुखदेव जी के शिष्य थे, तो भागवत का प्रभाव तो उनकी वाणी पर था ही। इसीलिए पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग कहा करते थे, श्रीमद्भागवत का सिद्धांत गौरपाद महाभाग ने सुखदेव जी का शिष्य होने के कारण मांडुक्य कारिका के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। गौरपादाचार्य जी ने कहा अन्योन्य सापेक्षत्व दृश्यत्व है, तो अन्योन्य सापेक्ष चाहिए, लेकिन अंत में त्रिपुटी से पारंगत जो बोध है उस बोध की अभिव्यक्ति ही ज्ञाता ज्ञान ये रूप त्रिपुटी में मध्यवर्ती ज्ञान के रूप में होती है। इसका दृष्टांत श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कंद में सन्निहित है। तेज को लेकर एक त्रिपुटी बनाइए, तेज को लेकर
अद्भुत में उसको क्या कहेंगे, रूप तेजोनिष्ठ गुण विशेष का नाम हो गया रूप नीलपित श्वेत इत्यादि। अध्यात्म में उसको क्या कहेंगे, नेत्र। अधिदैव में क्या कहेंगे, सूर्य। वेदांत प्रस्थान के अनुसार, वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार, न्याय प्रस्थान के अनुसार नेत्रेंद्रिय को हम तेजस मान ही सकते हैं, मानते ही हैं। न्याय और वैशेषिक प्रस्थान में अतीन्द्रिय इंद्रियां हैं, इसलिए द्वणु कोटि का तेजस पदार्थ अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय। द्वणु का कार्य भी है और अतीन्द्रिय भी है। हमारे यहाँ अपंचीकृत तेज के 1/4 सत्वांश से निर्मित है अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय पैंगलोपनिषद के अनुसार। तो वैशेषिक प्रस्थान अपनी विधा से, न्याय प्रस्थान अपनी विधा से और वेदांत प्रस्थान अपनी विधा से नेत्र को तेजस सिद्ध करता है। अगर नेत्र तेजस ना हो तो एक नियम की रक्षा ना हो, ग्राह्य ग्राहक भाव साजात्य में होता है, वैजात्य में नहीं होता। बुरा न मानो होली है, सांख्यों को एक प्रश्न पूछ दें, क्यों जी नेत्र के द्वारा ही रूप का दर्शन क्यों होता? सांख्यों के पास या योगियों के पास इस प्रश्न का साक्षात उत्तर नहीं है। किसी सांख्यवादी से पूछ दें, नेत्रों के द्वारा ही नीलपित श्वेतादि रूप का अधिगम क्यों होता है? नीलपित या नीलपित श्वेतादि रूपों का अधिगम नेत्रों के द्वारा क्यों होता है, नेत्रों के द्वारा ही क्यों होता है? तो द्राविड प्राणायाम से वो उत्तर देंगे। गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। भगवद गीता की शैली में द्राविड प्राणायाम से उत्तर देंगे। सटीक या साक्षात उत्तर उनके पास नहीं है। हम तो सीधे कह देंगे अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय तेजस है और जो नीलपित श्वेतादि रूप हैं तेजोनिष्ठ गुण विशेष हैं, ग्राह्य ग्राहक भाव साजात में होता है, वैजात में नहीं होता, इसलिए नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण हो सकता है। और रूप के द्वारा नेत्र का ग्रहण क्यों नहीं होता, नेत्र के द्वारा ही रूप का ग्रहण क्यों होता है? जो सूक्ष्म होता है उसमें ग्राहकत्व प्रसक्त होता है, जो स्थूल होता है उसमें ग्राह्यत्व प्रसक्त होता है। सूक्ष्मता के कारण, अतीन्द्रियता के कारण नेत्रेंद्रिय के द्वारा रूप का अधिगम हो सकता है, लेकिन रूप के द्वारा नेत्रेंद्रिय का अनुमान हो सकता है, साक्षात ग्रहण नहीं हो सकता। रूपोपलब्धिकरण जन्य इस प्रकार से हम अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय का अनुमान रूपोपलब्धि को लेकर कर सकते हैं, लेकिन नेत्र सूक्ष्म है ये तो सिद्ध हो गया। और सूर्य भगवान तो तेजस है ही। ऐसी स्थिति में एक तेज को लेकर तृप्टी बनी, अद्भुत दृष्टि से रूप है, अध्यात्म दृष्टि से नेत्र है, अधिदैव दृष्टि से सूर्य है। श्रीमद् भागवत ने सूर्य के स्थान पर द्वादश स्कंध में दीप शब्द रखा है, अर्थ या तात्पर्य एक ही होता है। अब एक विचित्र बात है, तेज के बिना रूप नहीं, लेकिन रूप के बिना भी तेज है, तेज के बिना नेत्र नहीं लेकिन नेत्र के बिना भी तेज है, तेज के बिना सूर्य नहीं लेकिन सूर्य के बिना भी तेज है। ठीक इसी प्रकार ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के बिना भी अखंड विज्ञान है, अखंड विज्ञान के बिना ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय नहीं है। इसलिए एकमेक तरह भावे यदा नोपलभामहे तितयम तत्त्वयो वेदस आत्मा स्वाशयाशयः। तो यद ज्ञान मद्वयम, तो हमने कहा कि एक बहुत जटिल पहेली है, जो ज्ञान स्वप्रकाश है वह तो अनुभाव्य हो ही नहीं सकता है, अनुभव स्वरूप है, लेकिन यह जगत जो है इसकी बलिहारी क्या है? बलिहारी यही है अमुक भांति अमुक भांति, दिन में हजारों स्थलों पर हमको भाना स्वरूप आत्म तत्व का अमुक अमुक उपाधि के माध्यम से दर्शन होता है, ज्ञान होता है। इसी प्रकार से जो साक्षात स्वप्रकाश आनंद है, सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूमा तत्सुखम, श्रीमद्भागवत का वचन है, सुखमस्यात्मनो रूपम, या आत्मा सुख स्वरूप है, उस सुख तत्व का दर्शन कैसे होगा, हो सकता है क्या?
स्वरूप भूत जो सुख है आनंद है वह अनुभव का विषय होगा क्या, भोग्य होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन इस सृष्टि की महिमा क्या है, क्योंकि अभिव्यंजक संस्थान का नाम उपाधि है, अमुक प्रिय है, अमुक प्रिय है, इसका मतलब क्या है, अमुक अमुक अभीष्ट या अनुकूल पदार्थ के माध्यम से आनंद की अनुभूति भी हो जाती है। तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान या प्रपंच है या नहीं, इसका भी महत्व हुआ या नहीं। इसीलिए मैंने कहा था वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह सृष्टि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है, इसलिए अभिव्यंजक संस्थान है, तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य नहीं है। तो परमात्मा की उपेक्षा करके स्वतंत्र रूप से सृष्टि का वर्णन करते हैं वह भवाटवी में भटकते रहते हैं। जात से ही ध्रुव मृत्यु हो, जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा। आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत सिद्धांत है, लेकिन आगे भगवान ने कहा ध्रुवम जन्म मृत्य च अकृतार्थ होकर देह त्याग किया तो पुनर्भव होगा। यम यम वापिस वरण भावम से यत्यंते कले वरम तम तमे वैति कौनते या सदातर भाव भाविता। इसका अर्थ क्या हुआ, बड़ी बहुत विचित्र गाथा है। जन्म लिया है तो बीच में क्या चीज है, नहीं कश्चित क्षण अपि जातिष्ठत्य कर्मकृत। जिसको आत्मतत्व अविक्रिय विज्ञान घन है, इस तथ्य का अधिगम नहीं हुआ, आत्मा को कर्ता भोक्ता तक समझता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व घटित ही आत्मतत्व है, इतनी ही जिसकी मान्यता है, उसके बस की बात नहीं कि एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सके। कोई पूर्व पक्ष प्रस्थापित कर सकता है कि सुषुप्ति दशा को छोड़कर, गाढ़ी नींद तो क्या है जी, कर्म भूमि नहीं है। कर्म के लिए कर्ता चाहिए, विज्ञानम यज्ञम तंते कर्माणि तंते पिचा तैतृय उपनिषद। लेकिन हमेशा प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंध एकादश स्कंध और उधर छांदोग्य उपनिषद के आठवें अध्याय के अनुसार अहम जब सो जाता है, विलीन होता है, तब सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। अहम सापेक्ष कर्तृत्व है, हम ही सो गया तो कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होती। अकर्म भूमि सुषुप्ति है, पाँच सात घंटे खर्राटे लेकर जब हम सोते हैं तो समझना चाहिए कि सुषुप्ति अकर्म भूमि है। लेकिन नींद टूटने के बाद इतने समय तक मैं सोया, इस अहमिति के गर्भ में उस अकर्म भूमि को भी लाकर कर्म का रूप दे देते हैं। जैसे कोई कहे मैं नहीं चलता, तुम क्या करते हो, कितना भी तुम कह दो, गाली दे दो, मैं नहीं जाता, वो कर्तित हो गया कि नहीं। अगर जाते हो तो अपने को गमन क्रिया का कर्ता मानते हो, ना जाते हो तो ना जाना कर्ता मानते हो, तुम अज्ञ हो, तुम तो जाओ तो ना जाओ तो कर्तित तो तुम्हारे साथ चिपका हुआ है। न जाना भी तुम्हारे लिए कर्म हो गया, न जाना तो कर्म नहीं है। अहमिति के गर्भ में लाकर तुमने क्या कर दिया, गमनक क्रिया का कर्ता बनाकर जैसे तुम अपने को गंता समझते हो, वैसे अगंता समझने पर भी गति की सिद्धि हो गई, कर्म की सिद्धि हो गई। यद्यपि गाढ़ी नींद कर्म भूमि नहीं है, लेकिन अहमिति के गर्भ में लाकर इतने समय तक मैं सोया रहा, जीव अपनी नादानी से कमजोरी से अज्ञता से उसे ही कर्म भूमि बना लेता है। तो क्या संकेत हुआ, जन्म लिया है तो कर्म किए बिना नहीं रहेंगे। और ऐसी कोई क्षमता हम आप में नहीं है कि हम आप या कोई भी प्राणी या जीव एक जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों को कर लेता है उन सब कर्मों का फलोपभोग करके देह त्याग कर सके। शुक्ल जी, ऐसी क्षमता होती तो यह जन्म ही क्यों होता। हमारा आपका जन्म सिद्ध करता है कोई भी विश्व में ऐसा प्राणी या जीव नहीं कि अपने एक जीवन में जितने शुभाशुभ कर्मों को कर लेता है उन सब का फलोपभोग करके ही देह त्याग कर सके। अवशिष्ट कर्म का फल भोगने के लिए
उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। तो सार क्या निकला, जन्म के गर्भ से कर्म निकल आता है और कर्म के गर्भ से फिर जन्म निकल आता है। जन्म और कर्म की अनादि अजस्र परंपरा चलती रहती है। जन्म और कर्म की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। जन्म और कर्म की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। अगर ऐसा नहीं, उच्छेद कैसे होगा? यह छेद अवेदी दशा सत्यमस्ति न चेद यह वेदिन महती विनष्टि ही। देहत्याग के अव्यभिक पूर्वक क्षण पर्यंत अगर देहेन्द्रिय प्राणांतकरण से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मतत्व का विज्ञान हो गया, तब तो कर्म कर्म हो जाएगा। कर्मण्य कर्म यह पश्चिद कर्मणि च कर्म यह, तुलसीदास जी ने अनुवाद किया, कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। स्वरूप का यथावत विज्ञान हो जाने पर कर्म नहीं हो सकता। तत्वज्ञ के जीवन में कर्म नहीं हो सकता दोनों हेतुओं से। पहली बात यह है कि कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होती, बिना कर्तृत्व की सिद्धि के कर्म कैसे होगा। दूसरी बात है प्रयोजन शेष नहीं रहता। कर्म हम करते हैं तो अंत में भाव क्या होता है, क्या मिलेगा? फल की प्राप्ति के लिए ना, फलोपभोक्ता होना चाहते, फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, अंत में फल क्या है नामा, अंत में परम फल क्या है? सुख। आखिर जो भी चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, फल मिलेगा क्या? सुख का नाम ही तो फल है अंत में। फल माने सुख, फलावसानम जगत। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग उपनिषद के भाष्य में लिखा फलावसानम जगत, और सांख्य सूत्र क्या है, चिदावसानो भोग। बड़ी विचित्र गाथा, चिदावसानो भोग, भोग चिदावसान है। बहुत कुतूहलपूर्ण विषय है। हमारी कठिनाई है कि हम इसी ढंग से बोलते रहे, हम भाषा को शिथिल करना चाहें तो भाव ही नहीं प्रकट होता। तो हमारा बैठे बैठे 60 वर्षों का अभ्यास ऐसे ही है। बहुतों को भ्रम हो जाता है कि अपनी विद्वत्ता व्यक्त करने के लिए जानबूझकर शब्दों का चयन करते, लेकिन नहीं, वस्तुस्थिति हमारा अभ्यास इसी ढंग से बोलने का 60 वर्षों का है। तो अगर हम टटोल के शब्द लाना चाहें, हल्का बनाना चाहें, तो भाव व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि तत्वज्ञ के जीवन में जो कर्म परिलक्षित होते हैं वे कर्माभास लीला कर्म या कर्म कहे जाते हैं। अक्षर वेदांती जो है वो कर्माभास बोलते हैं। शब्द कुछ कठोर जैसा लगता है, कर्माभास। मध्यम कोटि के वेदांती बोलते हैं अकर्म। और भक्त प्रवर जो होते हैं, भक्ति की शैली में बोलते हैं लीला कर्म। लीला कर्म बोल दीजिए, भक्त लोग ना घूमने लगेंगे। हम 72 से वृंदावन में रहे हैं, इस पद पर प्रतिष्ठित किए जाने के 1 सप्ताह पूर्व तक वेदांत के शब्दों को, भावों को भक्तों की भाषा में कैसे बोले वो झूमने लग जाएं, और वो भाषा नहीं जानते तो वृंदावन वाले तो सुनेंगे नहीं, कम से कम वेदांतियों को वृंदावन वाले नहीं सुन सकते। लीला कर्म सुनिए, वाह एकदम लीला कर्म, भगवान के कर्म लीला कर्म। कर्माभास होते हैं, अकर्म होते हैं, बड़ा कटु लगता है, लीला कर्म कह दीजिए। लेकिन कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। तो एक तो कर्तृत्व का अपलाप हो गया, इसलिए कर्म नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि जब एक महात्मा, जब मैं विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में था, अजमल खां पार्क में, बस उस पार रहता था, तिबिया कॉलेज में दिल्ली में, इधर अजमल खां पार्क में घूमने आता, कचनार के वृक्षों के बीच में एक संत रविवार के दिन 10-5 भक्तों की टोली लेकर आते, एक सिनेमा का गीत, लेकिन बहुत उज्जवल भाव से
उनके चेले चपाटी गाते हुए नाचते, मैं खड़ा होकर सुनता, बैठ कर सुनने वाला मैं नहीं था। उन लोगों का वहाँ नित्य ही सत्संग होता था, किसी क्षेत्र में भागवत, किसी में रामायण, किसी में वाल्मीकि रामायण, तो किसी में क्या होता था गुरु ग्रंथ साहब, और रविवार को वो संत आते थे। दिल की गली में रोशनी है, बाजार में जाके क्या झांके। भाव अच्छा है, सिनेमा वालों ने जो भाव लिया हो, लेकिन वो संत निर्विकार थे। तो मैं सुनता, जब दिल की गली में रोशनी है, बाजार में जाके क्या झांके। बाद में हो गया मैं बाबा, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के यहाँ में वेदांत पे प्रवचन करता था सुबह, शाम को स्वामी पुजोरियावा जी महाराज के यहाँ भक्ति पर प्रवचन करता था। कभी कभी वो बाहर बैठ के महात्मा सुनते, वो तो हमको नहीं पहचान पाते। मैं मुस्कुराता, कभी मैं इनको सुनता था गाते हुए, जब दिल की गली में रोशनी है बाजार में जाके क्या डोर। आज ही चबूता पर बैठ के बाल गोपाल के समान हमारा प्रवचन धो के सुनते हैं। मैंने परिचय नहीं किया, लेकिन मैं मुस्कुरा देता था उनको देखकर, हाथ भी जोड़ लेता था। तो क्या अभिप्राय है? सुखमस्य आत्मनो रूपम, सुख स्वरूप आत्म तत्व है, ऐसा अधिगम होने पर फलावसानम जगत, सुखोपलब्धि की भावना से ही तो व्यक्ति कर्म करता है। आखिर पाप में भी प्रवृत्ति हो या प्रीति हो, उसका नियामक तंत्र में सुखोपलब्धि ही है, फलासा ही है। तो दोनों हेतुओं से तत्व जीवन में कर्म की सिद्धि संभव नहीं। दूसरी बात है कि सांख्यों के यहाँ कर्म करते तो क्या है, कर्म क्या है, विकार है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद भिक्षु गीतम तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। 5 मिनट रह गए 7:30 में, 6:30 बजे हमने प्रवचन शुरू किया था। देहस्त्वचित पुरुषोयम सुपर्ण है, नहीं कर्म मूलम, कर्म का कोई मूल ही नहीं है। कर्तृधिकरणम ब्रह्म सूत्र का शंकर भाष्य सहित अनुशीलन कीजिए, कर्म आध्यासिक है। देहस्त्वचित, देह तो जड़ है, उससे क्या कर्म होगा। पुरुषोयम सुपर्ण, वो तो स्वप्रकाश है, सुपर्ण की लक्षण स्वप्रकाश में है। तो वहाँ भी कर्म की सिद्धि नहीं, यहाँ भी कर्म की सिद्धि नहीं, नहीं कर्म मूलम, कर्म आध्यासिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि कर्म तो विक्रिया है, अपने आप में विकार है। हिताहित बुद्धि संपन्न जो विकारी होता है वो करता होता है, हिताहित बुद्धि संपन्न जो विकारी होता है वो करता है। तो देहस्त्वचित पुरुषोयम सुपर्ण है, नहीं कर्म मूलम, कर्म सिद्ध ही नहीं होता, इसलिए कर्म की वही स्वरूप चिन्ह है। और दूसरी ओर सुखोपलब्धि के लिए ही तो कर्म चाहिए, फलावसानम जगत सुखमस्यात्मनो रूपम, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। 5 मिनट की सीमा में एक संकेत करूं, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में केदार घाट पर वाराणसी में जब था, पहले तो बिहारी भवन में फिर केदार घाट पर, एक दिन एकांत में उन्होंने कहा कि सुनो, सुख और आत्मा का लक्षण आपातता एक सिद्ध होता है, लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का नियम अकाट्य है, लेकिन किस सुख को आत्मा कहेंगे ऐसा विवेक रखना भी आवश्यक। फिर उन्हीं के वाक्यों को दोहराता हूँ, लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का नियम निर्धारित होता है। तो सुख और आत्मा का लक्षण एक है, लेकिन विवेक यह आवश्यक है कि किस सुख का नाम आत्मा है और कौन सा सुख क्षेत्र कोटि प्रविष्ट दृश्य कोटि का है। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाण दशकंच पंचचंद्रीय गोचरा है। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम सुखम क्षेत्रम, सुख तो क्षेत्र है, दृश्य है, लेकिन सुखमस्यात्मनो रूपम श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद कहता है। और नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति अन्य के लिए नहीं होती। और यहाँ तक कि देह में प्रीति
देह वायु ही नहीं, देह में प्रीति अगर देह के लिए होती तो देह को भुलाकर गाढ़ी नींद क्यों चाहते। इंद्रियों में प्रीति अगर इंद्रियों के लिए होती तो इंद्रियों को भुलाकर सोना क्यों चाहते। प्राणों में प्रीति प्राणों के लिए होती तो प्राण का विस्मरण करके फिर सोना क्यों चाहते। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार में मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए प्रीति होती तो अंतःकरण को भुला करके भी संकल्प विकल्प निश्चय स्मरण गर्भ को भुला करके भी सोना क्यों चाहते। अगर विषय जन आनंद प्रियमोद प्रमोद में कदाचित प्रियमोद प्रमोद के लिए ही प्रीति होती तो विषय जन्य प्रियमोद प्रमोद को भुलाकर सोना क्यों चाहते। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने बहुत अच्छा मार्मिक संदेश दिया, उपदेश दिया। ये जो भौतिकवादी हैं, लोकायतिक चारवाक सिद्धांत को मानने वाले, आजकल की भाषा में कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले, उनसे पूछो विषयजन्य आनंद ही सब कुछ हो तो जिसको विषयजन्य आनंद प्राप्त है वो विषयजन्य आनंद को भुलाकर क्यों सोना चाहता है। चेतना विशिष्ट शरीर ही अगर आत्मा हो तो शरीर को भुलाकर क्यों सोना चाहता है, न सोवे तो पागल हो जाए। जिसके शरीर में किसी प्रकार की वेदना नहीं, जिसके मन में आनंद ही आनंद उच्छलित है, प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर प्रमोद उच्छलित है, दुख है ही नहीं जिस समय, उस समय भी उस प्रिय मोद प्रमोद संगत विषयजन्य आनंद को भुलाकर वो सोवे नहीं तो पागल हो जाए या नहीं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बताया यह जो प्रिय मोद प्रमोद कोटि का आनंद है जागर स्वप्न में, यही यदि आत्मा होता तो फिर इसको भुला करके या इनको भुला करके हम सोना क्यों चाहते। अब गाढ़ी नींद में जो आनंद मिलता है, अगर वही चरम आनंद होता तो गाढ़ी नींद टूट जाए या संकल्प क्यों लेते। बहुत विचित्र बात है। जितने अन्य दार्शनिक हैं वो सुसुप्ति में दुखा भाव मानते हैं, आनंदोपलब्धि नहीं मानते। तो पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने उनको पूछा क्यों जी किसी कक्ष में अंधकार का भाव सिद्ध हो जाए तो प्रकाश की विद्यमानता के बिना संभव है क्या। प्रकाश के बिना अंधकार का भाव कैसे सिद्ध होगा, अंधकार का निवारक कौन होगा। किसी के जीवन में दुख का भाव किसी क्षण में सिद्ध हो जाए तो सुख के बिना दुख का भाव कैसे होगा। इसीलिए गाढ़ी नींद में केवल दुख का भाव ही नहीं आनंद की समुपलब्धि भी है। इसलिए मांडूक के उपनिषद ने क्या कहा, आनंद भुक, साक्षात आनंद ही जहाँ पर भोग्य होकर सुलभ होता हो, विषय के द्वार से नहीं, विषय और इंद्रिय के संगम से भी नहीं, विषय इंद्रिय और अंतःकरण के संगम से भी नहीं, साक्षात विषय ही जहाँ पर भोग्य होकर उपलब्ध होता हो। हम उदाहरण देते हैं, पिछले साल भी यहाँ पर हमने दिया था, गन्ने को चबावें, दांत कमज़ोर हैं तो टूटने की संभावना और छिलने की संभावना, उसी गन्ने को पेलकर एक गिलास रस का रूप दे दें, घट करके पी जाएंगे अनायास, तो गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य होता है। लेकिन जागर दशा में जो प्रियमोद प्रमोद रूप आनंद है उसको भुलाने के लिए हम बाध्य क्यों हैं। दर्शन व्यक्ति का गला पकड़ लेते, एक बड़ी विचित्र बात है। विदुषाम किम अशोभनम, श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वचन एकादश स्कंध, कबीर दास जी सभी सयाने एक मत, विदुषाम किम अशोभनम सभी सयाने एक मत। हमारे श्री रामानुजाचार्य महाभाग गीता के भाष्य के संदर्भ में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इस श्लोक पर भाष्य लिखने चले, बहुत ही दिव्य भाव उनके हृदय में उच्छलित हुआ भगवत कृपा से। यहाँ असत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, बंध्यापुत्र आदि के लिए, अधिक पदार्थ के लिए, अप्राप्त का प्रतिषेध होता ही नहीं, तो मानना पड़ेगा कि असत शब्द का प्रयोग जो भगवान ने किया है
तो प्रक्षिप्त श्लोक नहीं है ना, सर्वमान्य श्लोक है ना। असत शब्द का प्रयोग जो भगवान ने किया है वो जगत के लिए हो गया ना। यहाँ आकर शंकराचार्य जी रामानुजाचार्य जी एक हो गए या नहीं, और पराशर महर्षि का वचन जो विष्णु पुराण में है उसको समुद्धित किया, ज्ञानातिरिक्त सब असत है। असतो मा सत गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्यो रमा अमृतम गमय। यहाँ भी जो असत पद का प्रयोग किया गया है जगत के लिए तो हो गया ना, जगत को असत मान लिया या नहीं। अच्छा श्री मध्वाचार्य कट्टर द्वैतवादी, लेकिन भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक पर सूत्रात्मक शैली में उनका भाष्य पढ़िए, क्षेत्र क्षेत्र जोड़े व मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विद्रियन्ति ते परम। वही अर्थ किया जो शंकराचार्य ने। कट्टर द्वैतवादी भी इस श्लोक के अर्थ में शंकराचार्य से एक हो गए या नहीं। इसीलिए हम लोग तो बहुत मुस्कुराते हैं, कोई भेद नहीं है, प्राकृतिक भेद है। तो हमने एक संकेत किया कि क्या आवश्यकता है सुख को भुलाने के लिए। फलावसानम जगत, हमको सुख मिल ही रहा है तो सुख को भुलाने की क्या आवश्यकता है। पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने मनोरम तथ्य प्रकाशित किया, जहाँ भोग्य कोटि का सुख होता है वहाँ तृप्ति होती है। हम भोक्ता तो भोग्य कौन हो गया, कोई न कोई हुआ न, सुख ही भोग्य हो गया, सुखानुभूति का नाम भोग हो गया। गुलाब को देखने से मुझे सुख मिला तो गुलाब का पुष्प हो गया भोग्य, सुखानुभूति हो गई भोग, और मैं हो गया भोक्ता। जहाँ व्यावहारिक धरातल में आनंद की प्राप्ति है वहाँ चिपटी है, जहाँ चिपटी है वहाँ द्वैत है। द्वैत माने अजहल लक्षण, दो या दो से अधिक। द्वैत का अर्थ अजहल लक्षण, दो ही नहीं, दो या दो से अधिक। दो तो है ही, अतिरिक्त भी, इसलिए द्वैत माने दो ही नहीं, दो या दो से अधिक। अजहल लक्षण, जहाँ चिपटी है वहाँ द्वैत है, जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम है। द्वैत है श्रम है। आप विश्व सुंदर हैं, अपने मुख को देखते रहिए, हाथ को पादारविंद हस्तारविंद दर्पण के माध्यम से मुखारविंद को देखिए, तनाव आ जाएगा। अंत में विश्व सुंदरता रहे भार में, उसको भी भुला कर सोने के लिए बाध्य होंगे या नहीं। विश्व सुंदरी को सामने बैठा कर देखते रहिए, अंत में जहाँ विषयजन्य आनंद है वहाँ तृप्ति है, जहाँ तृप्ति है वहाँ पर द्वैत है, जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम है, जहाँ श्रम है वहाँ खालिश प्रियोर या निरक्ष आनंद नहीं है। इसलिए विषय जन्य आनंद का भी भोक्ता बने रहे तो पागल हो जाए। इसीलिए लाचारी है कि विषय जन्य आनंद को भी भुलाकर हम सोवें। ठीक है, जिसके ऊपर लट्टू होकर विषय जन्य आनंद को भुलाते हैं वो गाढ़ी नींद है, लेकिन हम जीव इतने चतुर हैं, आखिर ईश्वर के अंश तरीके हैं ना। हे ईश्वर, ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोए ही रह जाओ। संकल्प को डाल के रोज ना सही, निसर्ग सिद्ध संकल्प रहता है, चिर निद्रा न प्राप्त हो जाए। अर्थात सुषुप्तिगत जो सुख है वो भी चरम परम प्रेमास्पद होता है। तो सुषुप्ति से भी व्युत्थान की भावना का निसर्ग सिद्ध हमारे हृदय में उद्गम ना होता। यहाँ भी चैन नहीं, वहाँ भी चैन नहीं। बीजावस्था में जो सुषुप्ति में सुख है, आखिर वो तृप्ति की बीजावस्था है ना। तृप्ति की बीजावस्था भी कष्ट देती है, कष्ट देती है मतलब चिर स्थिर प्रेमास्पद नहीं है। अंत में स्वप्रकाश सुख होता है, चिर स्थिर प्रेमास्पद। बस एक दो वाक्य और कह के पंचदशी के अंतिम प्रकरण में आनंदाद्वैत है, आनंद अद्वितीय आनंद को लेकर विचार किया गया। सांख्यवादियों ने आत्मा को सच्चित माना, आनंद नहीं माना। योगियों का आत्मतत्व तो सच्चित आनंद तीनों ही है। भाष्य व्यासवासी के अनुसार योगियों का आत्मतत्व तो सच्चिदानंद है, सांख्यों का आत्मतत्व तो सच्चित है, आनंद नहीं है। पंचदशी कार ने कहा कि अरे भाई, आनंद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। जब सच्चित को मान लिया तो योगियों की शैली में तुम भी आत्मा को सच्चिदानंद मान लेते। सांख्यों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, आनंद भी हो और भोग्य ना हो तब क्या करेंगे भाई। आनंद भी और भोग्य ना हो, मिश्री बनेंगे या मिश्री का आस्वादन करेंगे चौबे जी। अगर आत्मा को हम आनंद स्वरूप मान लेंगे तो आनंद के हम भोक्ता नहीं होंगे,
स्वयं ही भोग्य स्वयं ही भोक्ता कर्म करते दोष की प्रसक्ति होगी। इसलिए भाई हम आत्मा को आनंद नहीं मानेंगे, आनंद नहीं मानेंगे तो हमको क्या होगा, आनंद की अनुभूति होगी, आनंद का अनुभव होगा तो जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद की पिपासा शांत होगी। पंचदशी कार ने जात्युत्तर समान लहजे में उत्तर दिया, भाई मेरे तुम्हारी बुद्धि ठीक से काम करती है या नहीं, जब आनंद भोग्य होगा तो आगमापायी होगा या नहीं, मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्तम से शिक्षा से भारत, अयोग के गर्भ से टपकेगा आनंद वियोग रूप गर्त में समा जाएगा। वियोगे दोष दर्शय महाभारत, वियोगे दोष दर्शय संयोगम स विसर्जयत असंगे संगमो नास्ति दुखम भव वियोगजम। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि आनंद को आत्मा मान लोगे तो आनंद भोगने से सिद्ध होगा, और अनात्मा मान लोगे तो आगमापायी होने के कारण प्रियम रोष्यति, जब आनंद का वियोग होगा तो घुट घुट के रहना पड़ेगा, दोनों में कुछ भी मानना कठिन है। तो फिर क्या है, आत्मा को आनंद स्वरूप मानो, आनंद स्वरूप मानोगे तो सुख स्वप्रकाश आनंद का नाम आत्मा मानना पड़ेगा, नित्य स्वप्रकाश आनंद का नाम आत्मा मानना पड़ेगा। और यह जो अभिव्यंजक संस्थान है अंतःकरण निर्मल निश्चल होने के कारण आत्मा स्वरूप का अजस्र अभिव्यंजक संस्थान भी बना रहेगा, तो अभिव्यक्त कोटि का आनंद तुम्हारा भोग्य हो गया, अभिव्यंग कोटि का आनंद स्वप्रकाश रहने के कारण तुम स्वयं हो गए। इस तथ्य का विज्ञान हो जाने पर आनंद के तुम भोक्ता भी व्यावहारिक धरातल बने रहे, स्वतः आनंद स्वरूप भी बने रहे। हर हर महादेव नारायण।